फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी पतली सी लेस का वीडियो लाए हैं। इसके लिए हमने ये ऊन ली है और वही हमारा ट्यूलिप का क्रोशेट लिया है 0.5 mm का या 14 नंबर का। हम सबसे पहले एक फाउंडेशन स्टिच बना लेंगे। ये लेस आप कहीं भी बना सकते हैं, जहाँ भी आपको पतली सी लेस चाहिए हो। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जल्दी बनने वाली लेस हम आपको बता रहे हैं। इस तरह से हमने किया। इसके बाद एक कॉर्नर जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वहाँ पे थोड़ा नीचे से हमने इंसर्ट किया क्रोशेट हुक को, और फिर ये देखिए इस तरह से यहाँ पे इंसर्ट करना है और फिर यहाँ से एक फंदा ले लेना है ऊपर को। तो अब हमारे पास 2 स्टिच हो गई हैं क्रोशेट पे, ये देखिए इस तरह से। फिर थोड़ी दूर पर फिर से एक बार इंसर्ट करना है क्रोशेट को और एक फंदा ले लेना है। अब 3 हमारे पास हो गए हैं फंदे टोटल। अब तीनों फंदों को एक साथ हम कंप्लीट कर देंगे ये इस तरह से। फिर हम बनाएंगे इसके बाद 3 चेन। बहुत ही आसानी से हम आपको समझा रहे हैं, ये बन गई 3 चेन। 3 चेन के बाद आपको यहाँ जो नीचे की तरफ क्रॉस क्रॉस दिख रहा है, इनके बीच में से ये देखिए पहला लाइन और दूसरी लाइन, इनके नीचे से हमने क्रोशेट लिया, एक फंदा फिर से बनाया और इन दोनों फंदों को एक साथ हम उतार देंगे ये इस तरह से। फिर हम एक चेन ले लेंगे इस तरह से, और जो नीचे हमारा क्रॉस बन गया है उसमें जो इस तरफ का कॉर्नर है उस पर इंसर्ट करेंगे, एक स्टिच ले लेंगे इस तरह से। फिर उसके थोड़ा आगे से एक स्टिच ले लेंगे। अब हमारे पास फिर से 3 स्टिच हमारे क्रोशेट पे हो गई और तीनों को एक साथ कंप्लीट कर देंगे। फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद फिर से क्रॉस वाली लाइंस के नीचे से क्रोशेट को गुजारते हुए एक फंदा ले लेंगे। अब दोनों को एक साथ कंप्लीट कर देंगे और एक बनाएंगे चेन। इस तरह से आप देख रहे हैं छोटी छोटी सी बूटी या मोती जैसे बाहर की तरफ बन रहे हैं और नीचे की तरफ हमारा क्रॉस क्रॉस स्ट्रक्चर आ रहा है। आप इस क्रॉस को छोटा बड़ा जितना भी चाहें आप उस तरह हिसाब से कर सकती हैं। रुमाल में भी आप ये लेस लगा सकती हैं, अगर आप चाहें तो ब्लाउज़ में लगाइए, कुर्ते में लगाइए, कहीं भी जहाँ पर आपको ये इस तरह से पतली लेस सही लगती है वहाँ पर आप ये लगा सकते हैं। अब 3 चेन ले लेंगे हम, ये हो गई 3 चेन। फिर ये क्रॉस जो बना है इसके नीचे से गुजारेंगे और यहाँ पे 2 फंदों को एक साथ कंप्लीट करेंगे और एक ले लेंगे। फिर हमने यहाँ पे जो धागा लिया है ये हमने लिया है 3-ply की ऊल है, 100% एक्रेलिक। आप चाहे तो यहाँ कॉटन थ्रेड यूज़ करिए या सिल्क थ्रेड यूज़ करिए, जो भी आप चाहें। इसके बाद फिर हम पास में इंसर्ट करेंगे, एक फंदा था ये दूसरा हो गया, और फिर उसके आगे से एक और करेंगे। अब तीनों को एक साथ हम कंप्लीट कर देंगे ऐसे। आप देखिए काफ़ी खूबसूरत सी डिज़ाइन बन रही है और कितनी आसानी से कितनी जल्दी। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि अगर आपको कहीं पे टर्न करना हो इसे, यानी अगर आपको दुपट्टे के किनारे आप बना रहे हो और आपको एक तरफ से दूसरी तरफ को घुमाना हो तो कैसे करेंगे। बनाने का ढंग यही है, हम इस तरह से पूरा एक लाइन में बना जाएंगे, उसके बाद हम इसे फर्दर घुमाएंगे दूसरी तरफ। तो ये देखिए इस तरह से हमने कर लिया, ये हो गया, पूरी लाइन ऐसे ही कर देंगे। फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे हम यहाँ पे टर्न करेंगे। हम कॉर्नर पे एकदम पहुँच चुके हैं और कॉर्नर पे हमने एक लास्ट में बना लिया, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी दिखती है। अब देखिए हमें क्या करना है, फिर से हमने एक फंदा भी ले लिया है यहाँ लास्ट में जो लेते थे, यानी एक सिंगल क्रोशेट इसके एक चेन सॉरी अब पीछे वाले के बेस में एक लिया और एक आगे बढ़ गया। मतलब कुछ हमें नहीं करना है, सिर्फ सिंपल हमें घुमा देना है और घुमा के इस तरफ से बनाने लगना है, ज़्यादा कोई भी दिक्कत नहीं है। तीनों को एक साथ कंप्लीट करना है। हाँ, यहाँ की जो चेन है उसे थोड़ा सा बड़ा रखना है, जो अभी हमने बेस पे बनाई थी सबसे पहली चेन जो बनाई थी, वो इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा घुमाओ यहाँ पर चाहिए होगा। तो ये हो गया, दोनों को एक साथ कंप्लीट किया, एक चेन ले ली और फिर हम गए बेस जो इस तरफ का है इसमें इंसर्ट किया,
एक स्टिच ली, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है हमने। ये थोड़ा सा धागे पकड़ने में दिक्कत है, अगर आप कॉटन थ्रेड ले रहे हैं तो ये दिक्कत कम होगी, वरना ऐसे आराम से हो जाएगा ही इस तरह से। अगर आपको कहीं भी मेरे किसी भी और वीडियो में स्पीड कम या ज़्यादा लगती है, तो वीडियो में आप राइट साइड में ऊपर जाएंगे तो वर्टिकल में 3 डॉट्स मिलेंगे, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो इस तरह से ये दो हो गए हमारे पास फंदे क्रोशेट पे। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ इसी तरह से हम एक लाइन पूरा करके घुमा के दूसरी लाइन भी पूरी कर लेंगे। हमने आपको यहाँ रुमाल में बताया है, आप किसी चीज़ में भी ऐसी लेस ये बना सकती हैं, बहुत ही अच्छी है और आसानी से बन जाएगी। ये हो गया, अब 3 चेन ले ली, बेस की जो ये लाइन है इनके अंदर से लेते हुए एक स्टिच ली और दोनों को कंप्लीट किया, फिर एक चेन ले ली, लास्ट में एक चेन लेना ज़रूरी है। और ऐसे हमें पूरा जितना चाहिए हम बना लेंगे आसानी से, बहुत ही खूबसूरती से। देखिए बहुत ही प्यारी लगती है ये लेस। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आप हमारे वीडियो को